खबर फरुखाबाद से है। जिले में महाशिवरात्रि को लेकर पूरे जिले में मौजूदा आपको बता दें, शिव मंदिरों में दिन भर भक्तों का तांता लगा रहा। शिव मंदिरों में हर जगह बम बम से पूरे दिन ये आवाज़ सुनाई थी। प्रमुख मंदिरों में सुबह 4 बजे से ही लोगों ने कतारबद्ध होकर अपने आराध्य भगवान भोलेनाथ का दर्शन कर आशीर्वाद लिया। महाशिवरात्रि के अवसर पर भगवान शिव को जल और दुग्ध से अभिषेक करके बेलपत्र, धतूरा, बेर, भांग, मिष्ठान और पुष्प अर्पित किए। हर बड़े छोटे मंदिर में पूजन अर्चन और दर्शन का माहौल रहा। मंदिरों में शिव भगवान के कीर्तनों का आयोजन हुआ। शहर के पांडेश्वरनाथ मंदिर में तो भीड़ देखने लायक थी। बड़े वाहनों को रेलवे रोड पर प्रवेश पर रोक लगा दी गई। श्रद्धालुओं की भीड़ देर रात से ही आना शुरू हो गई थी। मंदिरों में विशेष सुरक्षा के प्रबंध किए गए। कैसे गया, भीड़ है कैसे गया है? पांडेश्वरनाथ मंदिर है पर यहाँ पांडेश्वरनाथ के बारे में प्रातः काल 3:30 बजे मंदिर का मुख्य द्वार खुल गया था। उसके बाद में तुरंत पूजन आरती प्रारंभ हुई। 4:30 बजे मुख्य आरती हुई, मंगल आरती इसको बोलते हैं। मुख्य आरती के बाद में मंदिर पूरा दर्शनार्थियों और पूजनार्थियों के लिए खोल दिया गया, जिसमें लगातार भीड़ बही हुई है। लाइने लगी हुई है, पुलिस की व्यवस्था है और लगातार लाइनों से भगवान शिव को जलाभिषेक, रुद्राभिषेक, बेलपत्र, फूल, अखौआ, मंडार और घी और दूध से लगातार उनका अभिषेक चल रहा है। लोग अपनी मनोकामनाओं को मांग रहे हैं, उनको भगवान शिव है अवश्य पूरा करेंगे।